नमस्कार जी, आज आपको बताते हैं ये मोटर है मदानी की किट है और आज आपको बताएंगे अपनी मोटर अंदर से कैसे काम करती है। ठीक है, ये कैपेसिटर लगा है, ये मेन सप्लाई है इसकी। तो आपको ब्लेड के द्वारा दिखा रहे हैं अंदर से NS कैसे बनता है, इसके अंदर चुंबक कैसे बनती है। ठीक है, तो अब देखना आप, ये अंदर मैंने चुंबक इसके ब्लेड है जो अंदर दे दी स्लॉट के अंदर। अब इसके अंदर टॉर्क बनेगा, देखना ये देखो। ठीक है, और अभी देखना आप, ये टूर्नमेंट कर रही है, ये टॉर्क NS सही बन रहा है इसके अंदर। ठीक है, और अब ये राइट में देखो, ये राइट में घूम रही है, ये क्लॉक वाइज चल रही है, ऐसे अपनी काम करती है। और बेयरिंग वगैरह शाफ्ट वगैरह क्यों ज़रूरी है, ये देखो बिल्कुल सेंटर में है तब चल रहा है, और साइड में होते ही ये साइड में होते ही लोड लेने लग गया, ये इसका रूल होता है। NS में चलती है, चुंबक बनती है ऐसे, देखो ये देखो अंदर ब्लेड चल रही है, ये रुक गई, अब देखो चल गई, ऐसे चलता है। अब ये किट है, इसके अंदर मैग्नेट बन रही है, मैग्नेट की वजह से ये चलना संभव है। कैपेसिटर लगा है और ये अब ये क्लॉकवाइज चल रही है देखो, और अब ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है और अब ये क्लॉकवाइज चल रही है। बीच में रहनी ज़रूरी है, बिल्कुल सेंटर में होगी, इसलिए बेयरिंग वगैरह और शाफ्ट सही होनी बहुत ज़रूरी है। बेयरिंग अपने डाउन हो जाते हैं, इसलिए ये अंदर से क्या प्ले हो जाती है, प्ले की वजह से ये लोड लेने लग जाती है, इस वजह से हमने मोटर जो अपनी वो ख़राब हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। अरे देखो ये मैग्नेट बन रही है इसके अंदर, इसी मैग्नेट की वजह से अपना जो भी मोटर है, इलेक्ट्रॉनिक मोटर है, इंडक्शन मोटर है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, इसकी वजह से ही चल पाती है। देखो कितनी तेज़ घूर्णन कर रही है, इसके अंदर NS बनता है मैग्नेट, फुल टॉर्क है इसका, इसी टॉर्क की वजह से NS की वजह से ये चलना संभव है। अब देखो कितनी तेज़ घूम रही है, ये चीज़ आपको दिखाने के लिए मैंने अभी ये वाइंड की है, क्योंकि वाइंड करके साथ में चेक होगी, साथ में आपको दिखा दिया। अभी ऐसे अंदर से मोटर अपनी चलती है, और ये देखो दोबारा से ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। अब ये एंटी क्लॉकवाइज है और अब बंद होगी, अब ये क्लॉकवाइज चलने लगे। ये सब काम है मैग्नेट का, इलेक्ट्रिसिटी मिलने के बाद ये मैग्नेट बन गई इसके अंदर, ये कैपेसिटर लगा दिया, कैपेसिटर दोनों साइड चलाता है, इसको स्टार्ट करता है, ये देखो इधर क्लॉकवाइज हो गया और रुक गई, इधर नॉन एंटी क्लॉकवाइज, ये 1400 RPM पर चल रहा है, घूमने लग गया। ऐसे काम करती है अपनी मोटर अंदर से। धन्यवाद सभी को।